यूनिवर्सिटी मेरिट की बात करने वाला है। जस्ट तो ये वीडियो सभी छात्र और छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जस्ट तो आपको बता दें कि कल से 9 जिलों में 215 केंद्रों पर 3.83 लाख छात्र छात्राओं की शुरू होनी है परीक्षाएँ। जस्ट तो आज कुलपति जो है निर्णय लेने वाले हैं। क्या निर्णय लेने वाले हैं कि CCSU की परीक्षाओं पर कोरोना का साया। जस्ट तो आपको बता दें कि जिन 9 जिलों में 215 केंद्रों पर जो परीक्षा होने वाली है, उन 9 जिलों में 2950 कोरोना के जो सक्रिय मामले सामने आए हैं, इस वजह से CCSU की परीक्षाओं पर कोरोना का साया छा गया है। तो यहाँ पर आज जो है माननीय कुलपति जी निर्णय लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट छात्र हैं वो दोबारा से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर ले। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया है तो एक बार फिर दोबारा से अपने प्रवेश पत्र को भी डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। तो आप ध्यान रखें, जितने भी प्राइवेट छात्र हैं एक बार ज़रूर अपने प्रवेश पत्र को दोबारा से डाउनलोड करके देख ले कि आपके प्रवेश पत्र में कुछ चेंजिंग सेंटर चेंज किए गए हैं और कुछ उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। तो आप सभी एक बार रीचेक जरूर कर ले कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोरोना के संकट को देखते हुए CCS यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि दिनांक 10/4/2021 से प्रारंभ होने वाली विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 को संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 10/4/2021 से प्रारंभ हो रही विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं को नकल विहीन एवं सुचितापूर्ण संपन्न कराए जाने के साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 की द्वितीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। जैसे कि सीटिंग प्लान आदि की व्यवस्था COVID-19 की दृष्टिगत रखते हुए अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक पाली की परीक्षा से पूर्व प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सैनिटाइज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ में परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। साथ में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित करें। समस्त परीक्षार्थियों एवं कर्मियों को मास्क का प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। तो ये COVID-19 की जितनी भी यहाँ पर जो दिशा निर्देश चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने दिए हैं वो आप यहाँ पर फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 9 जिलों में 2950 कोरोना के सक्रिय मामले जो सामने आए हैं, इसके मद्देनज़र ही यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं वो लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।